अभिषेक काफी इमोशनल ब्रेकडाउन हो गए थे जब आप निकले और आपने बोला भी चल जाने दे, जाने क्या कहना चाहोगे उसको लेके? यार कुछ नहीं, वो रो रहा था, मैंने उसको यही बोला कि तू बोल रहा था मतलब तू तो निकालना ही चाहता था मुझे, अब मैं जा रही हूँ उसको छोड़कर आ टनल तक, दैट वाज माय स्टेटमेंट। तो ठीक है यार, बढ़िया है, बट बहुत खुश हूँ मैं रिस्पॉन्स को देख के, क्योंकि पहले यू नो मैं ऐसे निकल जाती थी घर से बाहर और कोई इतना जानता नहीं था, देखता नहीं था, पर अभी मैं आ रही हूँ तो आप लोग ऐसे आ रहे हो मेरे लिए, इतना सारा प्यार मिल रहा है मुझे, थैंक यू। अभिषेक की जब मेमोरीज दिखाई गई थी तो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव दिखाई गई उसके अंदर, जो यार मैंने आपको लगता है वो फेयर था मतलब आपके बारे में, क्योंकि वो अभिषेक की मेमोरी थी तो उसके बारे में बताना चाहिए था यार। देखो सबकी ऐसी अपनी अपनी मेमोरीज है, वो लोग टॉप फाइव में है, उनको जर्नी का दिखाया गया, तो आई एम श्योर उनकी जर्नी के जो बेस्ट पार्ट्स होंगे वो उनको दिखाए गए होंगे, तो उनके लिए वो उनकी मेमोरीज है, अगर मैं होती तो मेरे कुछ अलग मेमोरीज होती। सो जो भी हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है, बिग बॉस काफी बायस रहे, आप होनी चाहिए टॉप फाइव में अरुण अरुण सर के जगह, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे लिए यही बहुत है कि आप लोगों को लगता है कि मैं टॉप फाइव में, कहोगे आप काफ़ी मतलब एक स्टेप अहेड मतलब बिग बॉस फिनाले से हो गए, कैसा फीलिंग रहा है क्योंकि इतना टाइम तक बिग बॉस में टिके रहना इज नॉट ईजी, तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल यार, उस घर पे सर्वाइव करना डेफिनेटली बिल्कुल भी इजी नहीं है, बट आई एम हैप्पी क्योंकि जितनी मेरी उम्र है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मुझे नहीं लगा था कि मैं टॉप सेवन तक भी पहुँचूंगी, बट मैं पहुँची आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से, सो थैंक यू। अभिषेक है फिनाले में, आर यू हैप्पी? यार ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, एंड बाहर आके मतलब सब लोग अच्छे, कोई इंसान वहाँ बुरा नहीं है, बट सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि आप वहाँ रह रहे के वैसे हो जाते हो, तो जो भी लोग फिनाले में है, मनारा, मुनव्वर, अरुण भाई, अभिषेक एंड अंकिता जी, आई एम विशिंग ऑल फाइव ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, सबको मिल लूंगी मैं, थोड़ा कम ज्यादा का परसेंटेज हो सकता है, पर सबसे मिलना चाहूंगी। अभिषेक काफी इमोशनल ब्रेकडाउन हो गए थे जब आप निकले और आपने बोला भी चल जाने दे, जाने क्या कहना चाहोगे उसको लेके? यार कुछ नहीं, वो रो रहा था, मैंने उसको यही बोला कि तू बोल रहा था मतलब तू तो निकालना ही चाहता था मुझे, अब मैं जा रही हूँ उसको छोड़कर आ टनल तक, दैट वाज माय स्टेटमेंट। तो ठीक है यार, बढ़िया है, बट बहुत खुश हूँ मैं रिस्पॉन्स को देख के, क्योंकि पहले यू नो मैं ऐसे निकल जाती थी घर से बाहर और कोई इतना जानता नहीं था, देखता नहीं था, पर अभी मैं आ रही हूँ तो आप लोग ऐसे आ रहे हो मेरे लिए, इतना सारा प्यार मिल रहा है मुझे, थैंक यू। डारिया के बाद बिग बॉस में आपको बहुत प्यार मिला है, आप आगे की क्या प्लानिंग है, ईशा क्या फिल्म करने का इरादा है, सॉन्ग है क्या है आपके मुंह में घी शक्कर फिल्म मुझे अगर मिल जाए तो? देखो अभी मैं बेस्ट से बेस्ट जो हो सकेगा अपने लिए प्रोफेशनली मैं वो चूज़ करूंगी, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइंड अप, सो लेट्स सी, मिलेगी खबरें आपको भी बहुत जल्दी।